नेक्स्ट शुरू करते हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, इस सम को अपने आप करना है और अपना आंसर चेक करना है, ठीक है। तो मुझे होप है कि आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी इसका सोल्यूशन करते हैं और देखना आपकी आपका क्वेश्चन ठीक था कि गलत था, ओके। तो इसमें आपने कौन सा रूल यूज करना है, आपने यू डिवाइड बाई वी वाला रूल जो है वो यूज करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाली जो वीडियो है, बेसिक से मैंने शुरू करवाया था, तो वहां पे मैंने आपको प्रोडक्ट रूल है, डेविएशन रूल है, वो दोनों बता दिए थे। तो यू बाई वी भी मैंने वहां पे आपको करवा दिया। जिस भी स्टूडेंट ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है, वो प्लीज पार्ट 1, 2 और वो है ना, उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपने क्या करना है, जो डेरिवेटिव करना है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब शुरू करते हैं, तो यू बाई वी का क्या फॉर्मूला था, आपने क्या करना है, वी के स्केयर को करना है, फिर वी डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, यू का करना है, देन यहाँ पे माइनस आएगा, फिर यू, फिर डी अपॉन जो डी एक्स है वो आपने वी का डेरिवेटिव करना है। तो इसी तरह से आपने इसको यूज करना है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, नीचे वाला जो है वो क्या है, वी है ना, तो इस वी को आप क्या कर दोगे, स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे। इसके बाद आप वी को सेम लिखोगे, देन आपने डेरिवेटिव किसका करना है, डेरिवेटिव करना है 3x+1 का करना है, फिर माइनस आएगा, 3x+1 आएगा, देन डी अपॉन डी एक्स किसका आएगा, वो यहाँ पे आएगा 3x² + 2x, ओके। इसके बाद आपने क्या करना है, इज इक्वल टू सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अब आपने डेरिवेटिव करना है, ओके। तो 3x+1 का क्या होगा, 3 होगा, -3x+1 सेम आएगा, और इसका डेरिवेटिव जब आप करते हो तो इसका आप क्या लिखते हो, 1/2 आएगा ना, 1/2, तो 1/2 के अकॉर्डिंग 1/2 आगे आ जाएगा, और 3x² + 2x - 1/2 आएगा, समझ गए, क्योंकि इसका आप क्या बनाओगे, 1/2 बनाओगे ना रूट का, 1/2 आगे आ गया, और जो पावर है 1/2 -1 हो जाएगी ना, तो उस जब सॉल्यूशन करोगे तो ये बनेगा। फिर जो अंदर है इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है, तो कितना आएगा यहाँ पे, 6x+2 आएगा, ओके, 6x+2 आएगा। देन आपने क्या करना है, डिवाइड बाय जो सेम आपने वी स्क्वेयर लिखना है यहाँ पे, 3x² + 2x ऊपर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सोल्यूशन करना है, तो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग 3 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे बनेगा 3x² + 2x - यहाँ पे क्या करोगे, मान के चलिए यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाला, ठीक है, 2 कॉमन निकाला तो कितना आएगा, सबसे पहले इसको लिखिए 3x+1, ठीक है, 1/2 है, ये भी आप लिख लीजिए, और ये जो पास में लिखा हुआ है आप जानते हो ना, इसकी पावर नेगेटिव में है, तो ये नीचे आएगा और वापिस इसका रूट बनेगा, तो 3x² + 2x आ जाएगा, और यहाँ पे जब 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, 3x+1 बनेगा, ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आपके पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पे सेम 3x² + 2x, ओके, 2 से 2 कट हो गया। देन हमारे पास क्या बचा, ऊपर भी 3x+1 है और यहाँ पे भी 3x+1 है, तो इसका हम लोग क्या लगा देंगे, स्क्वेयर लगाएंगे, ठीक है, स्क्वेयर लगाएंगे, तो यहाँ पे 3√3x² + 2x -3x+1 की स्क्वेयर आपने लगाना है, और इसके नीचे कितना पड़ा हुआ है, यहाँ पे 3x² + 2x, राइट, और नीचे भी हमारे पास क्या है, 3x² + 2x, समझ गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर है बीच में माइनस लगा हुआ है ना, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैंने कितनी बार आपको बताया, मान के चलिए 1 - 1/2 है सपोज, तो इस 2 को डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 - 1/2 आएगा ना, इसी तरह से ये जो नीचे डिवाइड में है आप इसको इसके साथ क्या करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, समझ गए। तो नेक्स्ट आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, तो 3, जब आप रूट देखिए, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप समझ रहे हो ना, इन दोनों की स्क्वेयर बनेगा, स्क्वेयर बनेगा, तो स्क्वेयर की वजह से वो रूट कट हो जाएगा, समझ रहे हो ना, स्क्वेयर कट हो जाएगा यहाँ पे, वेट, हाँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3x² और बाहर भी क्या था, 3 था ना यहाँ पे, 3x²
प्लस 2x, और यहाँ पे क्या बना था, माइनस 3x प्लस 1 की स्क्वायर, और जो बीच में जो रूट हमारे पास था वो नीचे आ जाएगा, 3x² प्लस 2x, और नीचे v भी हमारे पास था 3x² प्लस 2x, राइट। अब आपने क्या करना है, ये जो 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9x² 6x माइनस 3x प्लस 1 की स्क्वायर डिवाइड बाय 3x² प्लस 2x, और यहाँ पे कितना बनेगा, 3x² प्लस 2x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ऊपर जो 3x प्लस 1 है उसको खोल देना है आपने, तो a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बन जाएगा a प्लस बी की स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो आपने इसको ओपन करना है, 3 9x² प्लस 6x माइनस, यहाँ पे कितना बनेगा, 9x² प्लस 1 प्लस 6x, ठीक है, 2ab के अकॉर्डिंग प्लस 6x डिवाइड, हमारे पास सेम होगा, तो वैसे भी आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, रूट की वजह से 1/2 है, ये जो 1/2 है, तो आप जानते हो 3x² प्लस 2x ऊपर 1 है और यहाँ पे 3x² प्लस 2x की 1/2 है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी ना, 1 प्लस 1/2, तो 2 प्लस 1/2, तो ये क्या बनेगा, 3/2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/2। ऊपर जब आपने ओपन किया 9x² प्लस 6x, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, तो -1 -6x, और नीचे क्या बनेगा, नीचे आपके पास बनेगा 3x² प्लस 2x की पावर 3/2, ओके। तो अब यहाँ से ये वाला कट हो गया, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है, -1 डिवाइड बाई 3x² प्लस 2x की पावर 3/2, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को आपने चेक करना है, तो कौन सा फॉर्मूला आपने लगाया, यू बाई वी वाला लगाया, ठीक है, तो आपने अच्छे से इस क्वेश्चन को करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में काफी चांसेस होते हैं, जो भी एमए के स्टूडेंट है ना, जो भी एमए कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट है, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप पूछ सकते हो, ओके।